हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आ चुका हूँ गाइज एक और गेम प्ले के साथ। और गाइज आज हम जा रहे थे मिलिट्री बेस में, और गाइज मिलिट्री बेस इसलिए आना पड़ा क्योंकि एरोप्लेन के वक्त हमारे साथ एक बंदे की भैंस हो गई, और अपना नाम उसने अश्वरथामा बताया था, और बंदे हमसे पहले उतर गए भाई। तो और बिल्डिंग भी आधी नीचे की लूटी हुई थी भाई, तो जल्दी से इतनी फटती है, अंदर घुसता हूँ और उसी टाइम मुझे मिलती है यहाँ पे 2 M4। तो अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई जल्दी आ जा, और एक तुम्हारा राजू भैया तो हमेशा की तरह ऑफलाइन और मर भी जाएंगे। तो जल्दी से अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई ऊपर आ जा जल्दी से। तो गाइज यहाँ पे मुझे कंपनसेटर और लेवल 3 की वेस्ट मिल चुकी थी, बस हेलमेट मिलना बाकी था। और गाइज नीचे की तरफ से फुटस्टेप्स भी आ रहे थे दबा के, अब सामने की तरफ से आने लगे थे, तो मैं जल्दी से इस कमरे में घुसता हूँ, यहाँ हेलमेट मिल जाए क्या पता। उसी टाइम गाइज भैया जी आते हैं, और गाइज भैया जी का नाम पढ़ना क्या है, अश्वरथामा भाई। ऑल पे मैंने उसी टाइम माइक किया और अपने टीममेट को बोलता हूँ यहीं से AKM ले ले। अब गाइज देखो इनकी टीम की क्या ही भज्जी मारी हमने, और गाइज इनकी टीम के ऑल पे आवाज़ें सुनते जाना बस क्या क्या बोलते जाएंगे। अब गाइस भैया जी की आवाज आ रही थी, समझ तो कुछ आ ही नहीं रहा था, बस चिल्ला रहे थे। अब देखो गाइस इनका एक और टीममेट आएगा, और उसकी जब उसको मैं मारूंगा तब उसकी आवाज सुनना कैसी आएगी। இங்க பே கேம்பிங் ஆ ப்ரோ ப்ரோ இங்க தான் இருக்காங்க ரூம்ல சொல்லாம்ல ப்ரோ எனக்கு ரெண்டு பேர் तो गाइस सुनी तुमने इसकी आवाज़, इतनी हंसी आई भाई हमें, मैंने भी अपना माइक ऑल पे कर लिया था, मैं क्या पता भाई इनको मेरी ऑल पे आवाज़ सुनाई दे। अब गाइस नीचे से ओवरफ्रंट बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मेरे को नहीं पता था कितने बंदे इनके रहते हैं, और क्या पता दूसरी टीम रश करने आ जाए। तब इसका एक और टीममेट आएगा गाइस, उसको देखो क्या ही पे लेंगे। तो गाइस भैया जी की नीचे आराम से बड़ी देर तक फाइट होती रही, अब भैया जी फाइनली हमारे पास आएंगे, और देखो गाइस क्या ही मारा, मेरे को देख रहे थे, मेरा पीछे ही मारा था टीममेट भी, मैंने ही मारा। तो जल्दी से इनको लूटते हैं फिर निकलते हैं आगे की तरफ। अब गाइस मैं C3 के साइड से जा रहा था, क्या पता यहाँ से कोई फुटस्टेप्स आ जाए, पर यहाँ से तो कोई फुटस्टेप्स आते नहीं। इतने मेरे को सामने की तरफ से एक बाइक जाती है और दिखती है, तो मैं सोच रहा था यहीं से निकलेगी, उसी टाइम भैया जी यहाँ पे गिर जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा क्लोज इन कर लूँ भाई, क्या पता जा ही ना रहा हो। तो इतने में पता लगता है भैया जी फिर निकलने जा रहे हैं, तो भाई देखो गाइस मेरे पास ही आ रहे थे, तो जल्दी से इनको नॉक करते हैं और फिनिश भी कर देंगे पूरा। तो गाइस मेरे को लग रहा था भैया जी नॉक हुए और अकेले भाग रहे थे, कहीं लूटने जा रहे होंगे, तो और टीममेट भी होंगे भाई पीछे पीछे आ रहे हों पैदल पैदल अब गुस्से में, तो भाई मैं आता हूँ आराम से यहीं पर वेट करता हूँ, फिर देखो गाइस। इतने मेरे को अब सामने की तरफ एक भैया जी और भागते हुए दिखते हैं, पर मेरे को नहीं पता वो बोट है रियल है कुछ नहीं पता। तो गाइस देखो सामने से भाग रहे हैं, मैं टैप टैप करने की मारने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बाद में पता लगता है बोट दादा थे हमारे। तो देख लो गाइस 2-3 या 4 गोलियां मेरी लगेंगी, पर भैया जी नोक नहीं होते, नोक हो जाते तो एक फ्री का किल मिल जाता। तो गाइस मैं जब तक मारता रहा जब तक मेरे को भैया जी दिख रहे थे, उसी टाइम भैया जी अब गायब हो जाते हैं, तो मैं छोड़ देता हूँ। पर उसी टाइम गाइस मेरे साइड से एक और बोट दादा आ जाते हैं फ्री का किल देने मेरे को, तो जल्दी से इनको ही पेलते हैं, अब पूरा फिनिश भी कर देंगे इनको। तो गाइस मैं इस बोट को मारने के बाद फिर वहीं देख रहा था, क्या पता वापस आ जाए वो बोट भाई, एक किल मिल जाएगा। और तो गाइस वो बंदा वापस नहीं आता, तो मेरा टीममेट इतने बोलता है भाई यहाँ डिश की तरफ एक बंदा दिखा मेरे को, तो मैं यहीं से कूदता हुआ देखता रहता हूँ भाई। तो मेरे को तो उसकी पोजीशन पता नहीं लगी, पर मेरा टीममेट पता नहीं कह रहा था मैंने उसको यहीं पर देखा भाई। तो देखो गाइस देखते हैं क्या पता बंदा है बोट है कुछ नहीं पता। तो इतने में गाइस यहाँ से ओपन जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक स्मोक कर देता हूँ, स्मोक करेंगे फिर दोनों इकट्ठे चलेंगे भाई, क्या पता बहन जो हमारे ऊपर टिका के बैठा हो गन और मार दे। तो जल्दी से चलते हैं गाइस, स्मोक हो चुकी थी और जल्दी से निकलते हैं आगे की तरफ। तो इतने गाइस अब हम इधर आते हैं देखते हैं, तो यहाँ पे गाइस हमें कोई मिलता ही नहीं है। तो मेरे को लग रहा था जो बोट मैंने देखा था वो भागता हुआ मेरे टीममेट ने वही देखा होगा पहले, बहुत पहले देखा था उसने और अब बता रहा था मेरे को। तो गाइस यहाँ तो कोई मिलता नहीं है, तो इतने मैं सोचता हूँ जिस बंदे को मैंने मारा था उसी को लूट लेते हैं भाई, क्या पता कुछ बढ़िया लेके आए हो। तो अब गाइस कोई बंदा नहीं दिखा मेरे को यहाँ, ना बोट ना रियल, जल्दी से गाड़ी उठाते और अब निकलते हैं सीधा नोवो की तरफ, क्या पता नोवो बंदे मिल जाए भाई। तो गाइस हम नोवो में तो आते हैं, पर नोवो बंदे नहीं बोट एक जरूर मिल जाता, तो मैं जल्दी से बोट को ख़त्म करता हूँ और अब पूरा फिनिश भी कर देंगे भाई, एक मिशन भी पूरा कर लिया गाड़ी से उड़ाने वाला। तो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं और इनको लूटेंगे फिर निकलेंगे भाई मिलिट्री। नोवो में तो कोई मिला ही नहीं, हमको एक बंदा नहीं मिला। तो अब गाइस आते हैं हम सीधा ब्रिज पे, हमें लग रहा था भाई अब ब्रिज कैंप ना बस मिले यहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ से ब्रिज ब्लो था, जोन में भी था और हमको कैंप भी मिल सकता था। तो देखते जा रहे थे भाई क्या पता ब्रिज ब्लॉक ना हो बस, तो शायद शुक्र है ब्रिज ब्लॉक नहीं मिलता।
तो अब गाइस देखो हम जा रहे थे सीधा ड्रॉप के पीछे पीछे, इतने मेरे को सामने दिखती है गाड़ी, तो मैं अपने टीममेट को बताता हूँ भाई देख सामने गाड़ी जा रही है, तो वो भी मार्क करता है। अब मेरे को लग रहा था वो हमारे पीछे पीछे आएगी, उन्होंने हमको देख लिया, तो हम राइट साइड में भागने लगता है कोई कवर लेने के लिए। इतना में लेफ्ट में एक और ड्रॉप दिखती है, पर हम यहाँ नहीं रुकते, जब नई नई ड्रॉप गिरी थी हम भाई वहीं चले सीधा, ड्रॉप का लालच तो हमें तो पता ही है। पर गाइस ये ड्रॉप का लालच ना बड़ा गंदा मिला हमें, इससे अच्छा तो हम बंदों पे चले जाते, किल मिल जाते थोड़े बहुत, और इतनी देर तक अब हम गाइस भटकते रहेंगे पर बंदे नहीं मिलेंगे हमको। तो यहाँ से जल्दी से क्रोजा और जेली सूट उठाते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस आते हैं सीधा आपकी फेवरेट जगह, हमारी फेवरेट जगह, सभी कैंपरों की फेवरेट जगह पोचिंकी में, पर कैंपर तो मिले ही नहीं, तो चलते हैं इधर से भी। तो गाइस आते हैं हम पूरा मैप घूम घुमा के सामने चार घरों की तरफ, भाई यहीं जोन बना था, यहीं देखते हुए चल रहे थे, सारी जगह चेक कर ली थी, कहीं बंदे नहीं मिले, तो इधर भी चेक करते हैं, इधर भी गाइस कोई नहीं मिला। तो अब अपने टीममेट को बोलता भाई अब आखिरी एक जगह बची है सिर्फ बान हाउस, बान हाउस चेक कर ले, नहीं तो भाई पता नहीं सारे सांप के बच्चे बने पड़ेंगे आज। तो जल्दी से बान हाउस लेता हूँ गाइस, बान हाउस में गाड़ियाँ देखना कितनी खड़ी हैं, यहाँ एक बग्गी खड़ी है, एक जीप इधर खड़ी है, अब गाइस देख लो तीन जीप पे, यहाँ पे दो गाड़ियाँ और खड़ी हैं, अब हमारी एक और गाड़ी आ गई। तो यहाँ पे गाइस एक भी फुटस्टेप्स नहीं आया, तो मैं गलत भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, फुटस्टेप्स आने चाहिए। तो इतने में आई दूसरे बान हाउस में जाता हूँ, क्या पता इधर से आए, तो इतने में गाइस भैया जी हमको फुटस्टेप्स दे ही देते हैं, और एक ही बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे गाइस, तो इतने वो सीढ़ियों में ही बैठे थे भैया जी हमारे। तो देख लो गाइस यहाँ पे उन्होंने सामान छोड़ रखा है जानबूझ के ऑटो पिकअप हो जाए, तो मैं अपना भाई बंद करके चलते हैं हाथ, और अपने टीममेट को बोलता हूँ जा तू ऊपर, मैं तेरे पीछे पीछे आऊँगा भाई। देखो गाइस वो मेरे टीममेट को नॉक करता है और मैं उसको ख़त्म करता हूँ भाई, बंदा भी ग्रोजा ही ले रहा था, तो जल्दी से अपने टीममेट को रिवाइव करते हैं फिर चलते हैं आगे। तो इतने में गाइस मैं अपने टीममेट का वेट कर रहा था, वो भी ऑफलाइन हो गया था, और अब जोन में जाना और आखिरी सर्कल है। तो इतने में सामने की तरफ से बोट फायर होती है भाई, मेरे को लग रहा था इस समय तो बोट आने से रहा भाई, क्या पता बोट ही हो पर रियल हो, पता कुछ नहीं पता भाई, पबजी है भाई। तो देखता जा रहा था मैं आसपास का, पता नहीं सांप का बच्चा बनो, इतने सामने देख रहा था यहाँ तो कोई दिखता नहीं, पर सामने एक भैया जी और दिख जाते हैं, तो सच में हमारे बोट दादा निकलते हैं। तो जल्दी से इन्हें ख़त्म करते हैं भाई, अब चलना जोन में भाई, अभी तक तो टीममेट ऑनलाइन आया नहीं। तो अब हमारे तोतले भैया ऑनलाइन आए और जल्दी से इनको गाड़ी में बिठाए और निकलते हैं सीधा बंदों की तरफ। तो गाइस हम अब चार घरों में देखते हुए जा रहे थे भाई, क्या पता इधर कोई अब कैंपिंग करने बैठ गया, ऊपर यहाँ तो कोई दिखा नहीं, सामने एक गाड़ी जरूर दिख जाती है पहाड़ पे, और एक भैया जी भी दिखते हैं राइट साइड में। और गाइस देखो हमें पता था यहाँ पे एक बंदा तो है, हम आराम से जा रहे थे, यहीं गाड़ी रोकी मैंने, और अब देखो गाइस भैया जी यहीं पे सांप बन गए हमारे आगे। तो पहले मैं थोड़ी देर यहीं वेट करता हूँ भाई, यहाँ से क्या पता मैं कोई देख रहा हूँ, तो मैं यहीं देखता हूँ भाई क्या पता इधर से दिख जाए, तो इधर तो कोई दिख नहीं रहा था, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तू लेफ्ट से जा मैं राइट से जा रहा हूँ। तो भाई ग्रोजा पावर है भाई, रात तो सोलो भी सोलो आराम से मार देंगे। तो जल्दी से गाइस देखो भैया जी कहीं पे अपने साइड में ही सांप बन गए, तो इनको आराम से पेलेंगे। तो अब देख लो गाइस राइट साइड में भैया जी कैसे पेल बैठे हुए हैं, तो मेरे को भाई लग रहा था अब तो भाई ये नोक हुए यहीं पे, इसका एक और बंदा यहाँ पे सांप का बच्चा बना हुआ। तो गाइस ये और कोई तो दिखता नहीं, इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और आपसे आस पास देखता रहता हूँ भाई। इतने में गाइस लेफ्ट साइड से भाई एक बंदा पता नहीं क्या ही गंदी मारता है, तो जब मेरे टीममेट को मारी थी वो बच जाता है, बस हम मैं बोलता हूँ जल्दी से नीचे चल ले, यहाँ पे ऊपर तो खतरा है भाई, सांप का बच्चा जोन में भी नहीं है इधर हम, तो जल्दी से नीचे जाते हैं फिर देखेंगे आगे बंदों को। तो गाइस अब पहाड़ पे था मेरे को इनका टीममेट मिला ही नहीं, अब सिर्फ गाइस पांच बंदे रहते थे जिसमें से दो हम तीन बंदे, और सामने घरों में भी हैं और लेफ्ट साइड में भी है राइट साइड में भी, कुछ नहीं पता किधर कहीं भी मिल सकता है कोई भी कैंपर, तो बिल्कुल आराम आराम से देख देख के जाना पड़ेगा गाइस। देखो तो मैं लेफ्ट साइड से देखता हूँ जा रहा था, अपने टीममेट को बोलता हूँ तू भी लेफ्ट में ही देख ले भाई, राइट में तो मेरे को नहीं लग रहा कोई होगा, और मैं घरों में भी देख लेंगे भाई, घरों में तो फुटस्टेप्स ही आ जाएंगे। तो इतने में गाइस अब राइट साइड से भाई फायरिंग की साउंड आती है, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई तू अब सामने की तरफ देखता रहा, मैं राइट साइड से फ्लैंक मार के जाऊँगा उस पर। अब गाइस देखो मैं राइट साइड से फ्लैंक मार के जा ही रहा था, तो एक बंदे को देखना मेरे को देखते ही छुप जाएगा, मेरे को सामने बंदा दिखा उसी टाइम लेट जाएगा, तो भैया जी सोच रहे थे मैंने देखा नहीं, तो जल्दी से इन्हें नॉक करते हैं। और अब गाइस सिर्फ आखिरी बंदा बचा था, अब आखिरी बंदा देखो गाइस मेरे को पता था उसकी पोजीशन कहाँ पे ही है, सामने पत्थरों में ही थी या इस सामने वाले पत्थर में या लेफ्ट वाले पत्थरों में, अब ये नहीं पता कौन से वाली जगह पे, कन्फर्म पोजीशन नहीं पता। अब देखो गाइस मैं यहाँ पे आराम से बैठता हूँ भाई, मेरे को लग रहा था ओपन ज़्यादा ही हो गया, जल्दी से कवर में चलो भाई क्या पता फेल दे, तो जल्दी से कवर में आते हैं और फिर देखेंगे इनको। तो गाइस मैं राइट साइड से इसी पत्थर पे देखते रहता हूँ, अपने टीममेट को बोलता हूँ तू लेफ्ट से पत्थर में देख। तो गाइस थोड़ी देर वेट करने के बाद हम तो यहाँ से भाई मैं बोलता हूँ भाई आज जल्दी से क्लोज इन कर भाई आगे चलते हैं, यहाँ पे तो बंदा पता नहीं फायरिंग भी नहीं कर रहा कुछ नहीं कर रहा,
तो गाइज देखो मैं थोड़ा क्लोज इन करने जा रहा हूँ, मेरे को लग रहा होगा सामने वाली तरफ से देख लेंगे आराम से। तो गाइज इतने में सामने वाले घर में जा रहा था तो लेफ्ट साइड से मेरे को भैया जी के फुटस्टेप्स आ ही जाते हैं। तो गाइज भैया जी आराम से इस घर में बैठे हुए थे कोने में छुप के, तो देख लो गाइज ये बैठे, तो मेरे को पता था पोजीशन। इतने मेरे को देखने लगते हैं मेरा टीममेट इसको डीपी मारता है, तो जल्दी से भैया जी डर के मारे बाहर आते हैं और करते हैं इन्हें खत्म। तो ये था गाइज आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, और हाँ गाइज कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और गाइज भाई को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में।